गाजीपुर में एक बार फिर से कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। जहां सोमवार को 13 कोरोना के मरीज पाए गए थे, वहीं आज यानी मंगलवार को भी 12 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आइए आपको आज मिले 12 कोरोना मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। एक मरीज सैयदवाड़ा सदर गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो एक मरीज बिरनो गाजीपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों मरीजों की रैंडम सिलेक्शन में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक मरीज सरेला भदौरा के, एक मरीज जलालाबाद जखनिया के, दो मरीज मनिया भदौरा के और एक सेवराई भदौरा के रहने वाले हैं। इन सभी की डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। एक मरीज बहरियाबाद के रहने वाले हैं, वहीं जमानिया पीएचसी के एक चिकित्सक की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं तीन मरीज करीमुद्दीनपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर के भी पाए गए हैं। इनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। हालांकि इन सब के अलावा गाजीपुर में ट्रूनेट मशीन द्वारा जांच में भी एक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि लंका गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। आज मिले कोरोना संक्रमित मरीजों को मिला दें तो अभी तक गाजीपुर में कुल 422 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से कुल 352 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 6 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इन सब के बाद अगर देखें तो गाजीपुर जिले में अभी तक कोरोना के कुल 63 एक्टिव केसेस हैं। गाजीपुर में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से जिले में दहशत का माहौल है। हमारी आप सभी से अपील है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें और अधिक से अधिक घरों में ही रहें। बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।